वालेकुम टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स आउट देयर कैसे हैं आप सब लोग आज ही नॉन मेटेलिक डाई का मैं ओलिविया हेयर कलर का दोबारा रिव्यू लेकर आई हूँ अभी तक मैंने काफ़ी सारे डाइस की वीडियोस में डाली हूँ मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है लेकिन आज मैं मीडियम मोका ब्राउन 18 में लेकर आई हूँ जिसके साथ मैंने लास्ट वीडियो एक बनाई थी मिक्सिंग कलर वाली और जिसके साथ मैंने इसी कलर के साथ मैंने डार्क ब्राउन मिक्स करके कर लगाया था ये इसके शेड्स हैं सारे आप लोग इसमें से जो आप लोग को समझ में आए वो आप लोग ले लीजिए मैंने डार्क ब्राउन के साथ मोका मीडियम ब्राउन लास्ट टाइम वीडियो में लगाया था तो आज मैं खाली मोका मीडियम ब्राउन एटीन का डायरेक्ट अप्लाई करूँगी बेसिकली मुझे ये ज़्यादा सूट नहीं करता मुझे इतना समझ में नहीं आता क्योंकि लाइट कलर बहुत है बट uh, क्या कहते हैं मैं जस्ट ये आप लोगों को दिखाने के लिए क्योंकि मुझे कमेंट्स में बहुत आया था तो इससे आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ अभी तक मैंने सिंगल ये कलर कभी अप्लाई नहीं किया हमेशा डार्क ब्राउन के साथ मिक्स करके अप्लाई किया है so, सो देखते हैं इसका आज रिज़ल्ट क्या आता है और ये मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि ये मुझे सूट कर रहा है सिंगल वन कलर के नहीं कर रहा अच्छा जी बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया है कि जी इससे बाल तो नहीं झड़ते बिल्कुल नहीं झड़ते आप लोग को कोई भी हेयर डाई यूज़ करें तो साथ हेयर ट्रीटमेंट लाजमी मस्ट होती है हफ्ते में दो से तीन दफ़ा मैं करती हूँ तो अलहमदिल्ला मेरे बालों का झड़ने का इशू कभी नहीं हुआ और सेकेंडली ये कि ये क्वांटिटी क्वांटिटी में हमेशा अपने बालों के मैं भी आप लोग को बालों ने की लेंथ आप लोगों ने देख ली होगी मैं हमेशा अपनी अकॉर्डिंग टू माय लेंथ में यूज़ करती हूँ और मेरा रिजल्ट कभी भी ख़राब नहीं आया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो आप लोगों भी मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग को अगर प्रोपोर्शन समझ में ना आए तो अकॉर्डिंग टू योर नीड अकॉर्डिंग टू योर लेंथ आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब आप मैं आप लोगों को डेवलपर दिखा देती हूँ कि ये देखें ये मैंने कलर लिया और डेवलपर मेरे पास इतना है ये थी, ठीक है अंदाज़ा आप लोग का हो रहा होगा इतना बचा आधे से भी कम है ये सारा डेवलपर मैं इस कलर में ऐड कर दूँगी कि कौन से कलर में ओलिविया हेयर कलर का मोका मीडियम ब्राउन नंबर एटीन में ये सारा मैंने ऐड कर दिया है ठीक है आप लोग के सामने मैंने दिखाया कि आधे से भी कम था ये डिवेल्पर और अब मैं इसके अंदर ऐड कर कर नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट वेल अच्छे से मिक्स करेंगे अब ये ट्यूब ख़त्म हो गई ये ट्यूब मेरी ऑलमोस्ट टू मंथ तो चली ही चली है मैं भी शायद उससे ज़्यादा क्योंकि मिक्स करके लगा देती ठीक थी, है अच्छा जी ग्लव्स पहन लिए मैंने मिक्स हो गया है कलर का फाइव मिनट्स मैंने रेस्ट दिया था थोड़ा सा चेंज हो गया कलर नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ये मेरे अपने बालों की हालत देख लीजिए मैं अपने बालों की हालत आप लोगों को दिखा रही हूँ ये इस तरीके से वाइट हुए हैं बहुत ज़्यादा सफ़ा नहीं हुए ये और बहुत इससे ये मुझसे किसी क्वेश्चन कमेंट में ये भी पूछा था कि इससे मज़ीद वाइट तो नहीं होते बिल्कुल नहीं होते हैं जितनी आपकी ग्रोथ है उतनी ही वाइट होते हैं और मज़ीद नहीं होते और मैं साथ साथ ट्रीटमेंट्स भी बहुत करती हूँ तो मज़ीद वाइट होने से वाइ ग्रे की बालों की ग्रोथ होने से मुझे वो ट्रीटमेंट बहुत हेल्प आउट करती है अगर आप लोगों को ट्रीटमेंट्स का पता करना हो तो मुझे कमेंट में बताएगा तो मैं पूरे फुल ट्रीटमेंट की एक वीडियो बना दूँगी जिससे कलर भी बहुत इन्हेंस होता है बालों का ठीक है अब ये मैं मीडियम मोका ब्राउन अप्लाई कर रही हूँ सेक्शंस बना बना कर रूट्स मेरे ज़्यादातर हमेशा रूट्स वाइट होते हैं तो मैं रूट्स पर ही अप्लाई करती हूँ और जब बच जाता है तो मैं पूरे हेयर्स पर भी अप्लाई कर लेती हूँ ठीक है अभी आप लोगों को फाइनल लुक भी दिखाऊंगी पर अभी मैं सेक्शन कर 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 आप लोग रूट्स देख रहे हैं मेरे रूट्स ग्रे हुए हुए उस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ठीक है सेक्शन करना और खुद ही वीडियो बनाना और खुद ही सब कुछ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बट ये मैं कर रही हूँ आप, आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए ये देखिए इस तरीके से स्ट्रोक्स अपने बालों में लगाना है ठीक है रफली स्ट्रोक्स हैं और ये मेरी फाइनल आप लोग देख लीजिए ये देखिए सारा मैंने अपने बालों पर लगा चुकी हूँ फुल हेयर पर मेरा कलर लग चुका है मीडियम मोका ब्राउन और मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या आने वाला है क्योंकि मैं सिंगल यूज नहीं करती मैं हमेशा दो मिक्स करके यूज करती हूँ और, और मेन मेरा कलर है डार्क ब्राउन तो डार्क ब्राउन के अंदर मुझे जो समझ में आता है मैं यूज करती हूँ ठीक है मैं इसको एक घंटे के लिए ड्रेस दूँगी ये देखें जी एक घंटे बाद मैं तो हैरान रह गई मीडियम मोका ब्राउन मेरे बालों को सूट किया सिंगल कलर बहुत अच्छा रिजल्ट आया मैं तो बहुत खुश हुई हूँ आप लोग मुझे कमेंट में, में बताइएगा किस तरह का रिज़ल्ट आप लोगों को चाहिए और कैसा लगा मेरे बालों का कलर तो ये मैं वॉश करने के बाद एक घंटा मैंने छोड़ा था उसके बाद मैं अपने काम करती रही और एक घंटे बाद मैंने वॉश कर लिया और वाह भाई ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया ये मीडियम मोका ब्राउन का ये देखें जी कितने स्मूथ कितने सिल्की कितने सॉफ्ट हो रहे हैं और कौन कहता है कि से बाल ड्राई हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं कुछ नहीं तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें शेयर करें कॉमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताया करें डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ़ अल्लाह हाफ़िज। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे बाल माशा इतने हेल्दी इतने खूबसूरत हो गए हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफेज़